आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। शहडोल जिले के बहारी थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पकड़े गए गांजा तस्कर के कब्जे से 1 क्विंटल गांजा और 1 लाख नकद बरामद किया गया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को जानकारी मिली कि बिहारी स्थित महिंद्रा एजेंसी के पास एक व्यक्ति गांजा बेचने के फिराक में ग्राहक का इंतजार कर रहा है। पुलिस ने उसके बताए स्थान पर दबिश देकर युवक से पूछताछ की। युवक ने अपना नाम रोहित, उम्र 28 वर्ष, निवासी टुकड़ी टोला बुढ़ार का होना बताया। पुलिस आरोपी के पास से 20 किलो गांजा और 1 लाख रुपए जब्त किए हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने युवक से जंगल में छिपाया गया गांजा भी बरामद किया। आरोपी के कब्जे से कुल 1 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। पकड़ा गया आरोपी बड़ा गांजा तस्कर है। पहले भी रोहित शर्मा गांजे के कई मामले में पकड़ा गया है। इसके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में अपराध भी दर्ज है। स्पेशल टीम ने एसपी के निर्देश पर आरोपी को पकड़ लिया और उसके कब्जे से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया। आरोपी के विरुद्ध एनजीपीएस एक्ट की धारा के तहत पुलिस ने अपराध दर्ज कर न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया है। बताया गया है कि जंगल में छुपाकर रखी गई गांजे की खेप रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकर के चूहा गांव पहुंचाई जानी थी। मामले में अभी कुछ गांजा तस्कर फरार हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।